फ्रेंड्स राधे राधे, वेलकम ऑन रियोस्टिक क्लासेस बाय वाजपेयी सर, जो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है कुरियोस्टिक क्लासेस। इसका अर्थ होता है जिज्ञासा। क्या मतलब होता है कुरियोस्टिक का हिंदी अगर अर्थ निकालेंगे तो ये होगा जिज्ञासा। जिज्ञासा जो कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया, जिज्ञासा मतलब होता है सीखने की इच्छा। जो कह सकते हैं कि रियोस्टी जो सबसे बड़ी टीचर है, एक आपने एड सुना होगा, स्लोगन सुना होगा कि बचपन से बड़ा कोई स्कूल नहीं और रियोस्टी से बड़ा कोई टीचर नहीं। तो उस एड में बताया तो रियोस्टी मतलब होता है जिज्ञासा। अगर आपकी सीखने की अच्छा है तो आप कभी भी किसी भी उम्र में और कुछ भी सीख सकते हैं। इसलिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है रियोस्टी क्लासेस, इस पर हम RRB ग्रुप डी NTPC सभी कंपटीटिव एग्जाम जो भी होने वाले हैं या जिनके फॉर्म आपने डाल रखे हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए इस YouTube चैनल का आप बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं, ठीक। और ये हमारी मैथ की आज चौथी क्लास है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज इस क्लास में हम जो मैथ की चौथी क्लास है, इसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम, ठीक है। वर्क एंड टाइम के अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे अपनी रियोस्टी क्लासेस में। जैसे वर्क एंड टाइम का हमने क्वेश्चन ले लिया, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने बेसिक क्वेश्चन ले लिए। अब ये टफ लेवल के चलेंगे, आज थोड़ा सा टफ लेवल करेंगे और कल मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग चूज करेंगे, जो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक नेक्स्ट पढ़ना है, ठीक। हम इजी क्वेश्चन कर चुके, थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है ए और बी, और थोड़ा टफ लेवल की ओर चल रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। ए और बी किसी कार्य को ए और बी किसी कार्य को, अब ये सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, आपका बेसिक कंप्लीट होगा तो 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, दिनों में सभी कंप्लीट एग्जाम, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, तो इसके लिए हमारे क्यूरियोसिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे जो घर पर हैं कोचिंग को एफोर्ड नहीं कर सकते, कोचिंग नहीं जा सकते और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल से मैथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी और सी 40 दिनों में तथा सी और ए 60 दिनों में दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ये तीनों साथ साथ काम करें, यदि ये तीनों साथ साथ काम करें यानी ए बी और सी साथ साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है समाप्त होगा, ठीक है भाई। कितने दिनों से ये क्वेश्चन है हमारा, देखो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। ए और बी पहले दो कैंडिडेट हैं, किसी कार्य को 20 डेज में करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ए प्लस बी हमने लिखा दो कैंडिडेट हैं, इसको कितने दिनों में करेंगे, 20 डेज। अगले कैंडिडेट है बी और सी, बी प्लस सी, इसको कितने डेज में करते हैं, बी और सी 40 डेज में, 40 लिख दिया, बहुत इजी क्वेश्चन। अगला है सी और ए, ये दो कैंडिडेट है ग्रुप में, ये कितने दिनों में करते हैं, 60 दिनों में पूरा करते हैं, सबका ग्रुप में लिख लिया। ये खुद की ए और बी दोनों साथ करेंगे 20 दिन में, बी और सी साथ करेंगे 40 दिन में, और सी और ए करेंगे 60 यानी 60 दिनों में। लेकिन अब इसमें बात ये बताई जा रही, कहा जा रहा है कि अगर ये सारे काम ये तीनों साथ साथ कार्य करें, ए बी और सी साथ साथ कार्य करें, तो यानी हमको पहले सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमने कई बार बताया, सबसे पहले टोटल वर्क, वेरी गुड, क्या निकालेंगे, टोटल वर्क हमारा क्या होगा, जो हमारा एलसीएम होगा वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क यानी पूरा काम होगा, एलसीएम लेना है। 20 और 40 और 60 का एलसीएम लेना, हमने एलसीएम लेके बताया है कि 20 का टेबल पढ़ेंगे, 40 का पढ़ेंगे, 60 पढ़ेंगे, और ऐसी कौन सी डिजिट मिलेगी जो 20 के टेबल में हो, 40 के हो, 60 के टेबल में हो, और हम जैसे टेबल पढ़ना स्टार्ट करें वो मिल जाए। 20 का टेबल हमने पढ़ा, 20 20 22 40, इस तरह 40 टेबल 42 80 और 60 पढ़ा, तो इसमें हमको मिला 120, क्या मिला 120 ऐसी डिजिट मिली जो 20 के टेबल में, 20 से भी कटेगी और 40 से भी कटेगी और 60 से भी कटेगी, सही है। हमने 20 को डिवाइड किया तो आया 60, 6 आया,
तो 20 6 120 और 40 से डिवाइड किया 3 आया, 43 120। अब 60 से डिवाइड किया 62 120। अगर आपको नहीं समझ में ये टोटल वर्क ये कहाँ से आया तो हमने बताया हमने क्या निकाला है एलसीएम, क्या निकाला है एलसीएम। और एलसीएम आप जान सकते हैं, अगर नहीं मालूम है आपको तो 20 और 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे, तो जब एलसीएम निकालेंगे तो आंसर हमारा 120 भी आएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप एलसीएम निकाल कर देख सकते हैं डिवाइड बाय थे, ठीक है। टोटल वर्क ये आ गया, ये इसको इससे डिवाइड किया, ये 6 डेज में करते हैं, ये 3 डेज में करते हैं, ये 2 डेज में करते हैं। क्या पूछा गया, यदि ये तीनों साथ साथ कार्य करें, ठीक है, टोटल वर्क हमारा टोटल वर्क करना है 120। अब यहाँ क्वेश्चन एक चीज फंस गया, बच्चे क्या करेंगे इन तीनों को ऐड करेंगे और इसको डिवाइड करा देंगे, यही गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया क्योंकि एक कंडीशन देनी, इसमें ए और बी यानी कि ये जो निकली है एक दिन की क्षमता, इसमें ए बी दोनों लोग हैं, में जो एक दिन की क्षमता निकली है ए बी दोनों लोग हैं, इसमें जो बी और सी की क्षमता निकली इसमें भी दो लोग हैं, और सी और ए की इसमें क्षमता निकली है भी दो, यानी जब टोटल ऐड करेंगे तो सबकी क्षमता दो दो बार हो जाएगी, सबकी क्षमता क्या हो जाएगी दो दो बार हो जाएगी। इसका एक तरीका हमने जैसे इसको ऐड किया 6 3 9 9 2 11 11 को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी सबकी क्षमता एक एक बार हो जाएगी, लेकिन 11 को 2 से डिवाइड करेंगे पॉइंट में आ जाएगा, तो फिर हमको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा नहीं करते कि इनमें दो लोगों की क्षमता, इसमें भी दो लोगों की क्षमता, इसमें भी दो लोगों की क्षमता, और जबकि ये टोटल वर्क केवल सबका एक ही बार, ए का एक बार का टोटल वर्क, ए बी और सी का केवल टोटल वर्क है, और क्षमताएं सबकी दो दो, यानी कि हमको ये बता दिया गया कि दोनों साथ करते हैं तो इनकी क्षमता ये इनकी क्षमता है, लेकिन हमको बताया गया टोटल वर्क की, तो एक काम करते चाहे तो इनकी क्षमता को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, या फिर जो टोटल वर्क हो इसी को दुगना कर दो, तो हमको ये इजी लगेगा। टोटल वर्क को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया यानी दुगना कर दिया, तो टोटल वर्क को अगर हमने दुगना कर दिया तो हो गया 240। और बस इन तीनों को ऐड 6 3 9 2 11 11 से डिवाइड कर दें। अब लेकिन एक कंडीशन इसमें ये भी देख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया कि ये क्यों दो गुना किया गया, क्यों 2 से डिवाइड किया, इसलिए किया गया क्योंकि इसमें सबकी दो दो क्षमताएं हैं, ए प्लस बी की क्षमता ये है, बी प्लस सी की क्षमता ये है, और सी प्लस ए की क्षमता ये है, हम इनको अलग नहीं कर सकते, साथ में दिया गया, अलग कर भी लेंगे तो हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए हम तीनों को ऐड करके इसको डबल कर दिया, डबल क्षमताएं थी, डबल हमको काम हो गया, तो हम बराबर बात आ जाएगी। अगर आप नहीं चाहते तो इसको इसको करके हाफ करके भी कर सकते हैं, दोनों तरीके देखें। अब इसको 11 समझ मल्टीपल डिवाइड कर रहे हैं तो 11 2 जा हुआ 22 और इसमें बच गया 2, भाई 24 था 22 बचा 2 हो गया, फिर 11 बन जा 11। अब इसमें कितना चार 9, तो 9 upon 11 ये हमारा हो गया आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर। क्या पूछा है, तीनों कार्य साथ साथ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो कार्य होगा 21 सही, यानी 21 सही 9/11, ये हमारा आंसर होगा, क्या होगा ये हमारा आंसर होगा, ठीक, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। लेकिन अब इसमें एक चीज, अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, अगर किसी ने कहा कि हमको दुगना नहीं करना तो हमका टोटल वर्क था 22, ठीक है। अब इसमें 6 3 9 2 11 हुआ, 11 का हम हाफ कर दें, क्यों, क्योंकि सबकी 2 बार क्षमता, तो 11 का 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 5 10 हुआ, और यहाँ पॉइंट लगाया बचा 1, 2 5 10 हुआ, यहाँ 1 बचा है, और यहाँ पॉइंट लगाया इधर 0 बचा, 2 5 10 यानी कि 5.5, यही 11 का हाफ होगा। इसका मतलब यहाँ 5.5 से डिवाइड कराना पड़ेगा, और इस 5 ये क्रॉस हुआ, यहाँ आ गया 0। अब इसको हमको काटना पड़ेगा, जैसे 5 से काट रहे हैं तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5, और 5 से यहाँ काट रहे हैं तो हो गया 5 5 2 जा 10 10 हो गया, 2 बचा, फिर यहाँ 5 4 जा 20 20 हो गया, 1 0 बचा, फिर 11 से काट, देखो वही कंडीशन पहुंच गई, यही चीज फिर आ गई, आ गया 220/11 यही चीज बन जाएगा। फिर आगे अगर हम करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 240/11 इज इक्वल टू, यही आंसर आ जाएगा, 219/11 इज आंसर। तो हमने आपको दोनों तरीके बता दिए, आप ये नहीं कह सकते कि आप पेपर में फंस जाएंगे, कैसा भी क्वेश्चन है कहीं भी कुछ भी फंसा है, बस आप स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, हम कई बार कह चुके हैं स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो आप इस क्वेश्चन में कभी भी फंस नहीं सकते, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कोशिश करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको रोक करके वीडियो को पॉज करके देखिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए और फिर से समझिए, या वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ठीक। अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखेंगे नया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, हम कई बार कहते हैं ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं, फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें हमने आपको दोनों तरीके बता दिए, चाहे तो आप 11 को हाफ कर सकते थे, या फिर सीधा जो टोटल वर्क था उसे ही दुगना करते, यानी जो है डबल कर देते, चाहे उसको हाफ कर चाहे डबल करते, आंसर हमारा सेम आएगा, दोनों कंडीशन हमने आपको करके दिखा दी। अब आप ये नहीं कह सकते कि वैसा नहीं बताया गया, ठीक। अब इसी का एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग लगाएंगे, ठीक है। जैसे एक है एक्स और वाई, एक्स एक्स और वाई,
अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट लिखेंगे, आप क्वेश्चन के इतना लंबा नहीं लिखेंगे। एक्स और वाई किसी कार्य को पता चल गया है, क्वेश्चन को तो लॉन्ग नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन लिखा गया एक्स और वाई किसी काम को जो है 10 days, एक्स और वाई 10 दिनों में, एक्स और वाई 10 दिनों में, ठीक। आगे है वाई और जेड, वाई और अब क्वेश्चन को हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं इसलिए ज्यादा लिखना नहीं पड़े, वाई और जेड, एक्स और वाई 10 दिनों में, वाई और जेड, वाई और जेड 20 दिनों में, 20 दिनों में, वाई और जेड 20 दिनों में, कॉमा जेड और एक्स, जेड और एक्स 30 दिनों में कर सकते हैं, में कर सकते हैं तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, कितने दिनों में समाप्त होगा। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, अगर ये क्वेश्चन हम लिखते ना तो आधे बोर्ड में आता, इसलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बाकी हमको वही चीज मेन पॉइंट जो है क्वेश्चन में, हमने मेन पॉइंट उठा लिया, क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। बाकी क्वेश्चन जैसे हमने पहले लगाया तो वही क्वेश्चन सेम टू सेम, क्योंकि डिजिट थोड़ा सा चेंज हुई और जो ए और बी हाथ पर था हमने सॉल्व कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, वेरी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ हम IMP लिख सकते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बता 100% ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हमने पहले था x और कौन है, आप लोग बताते रहिए हमारे साथ, x प्लस y, x और ये x और y कितने दिनों में करते हैं, 10 डेज में। दूसरा है, पहला x और y था, दूसरा है y और z, तो दूसरा कौन है y प्लस z कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में। अगला है z प्लस x ये कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में। क्या निकालना होगा पहले हमको, टोटल वर्क क्या होगा, एलसीएम, अब इतनी बार करते 10, 20 और 30 का एलसीएम हमको मालूम है, कई बार हमने किया 10, 20, 30 हमारे अगले जो क्वेश्चन के उसमें भी ये डिजिट थी, इनका लेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा एलसीएम 60, क्या हो जाएगा 60, 10 से डिवाइड करेंगे। अब आप लोगों को तो आ गया होगा एलसीएम बहुत ईजिली, एकदम रट सा गया होगा ना, क्योंकि कई बार हमने ऐसे डिजिट लिए, कई बार हमने ऐसा किया है। तो 10 6 जा 60, 23 जा 60 और 32 जा 60 हो गया, टोटल है ये 60 टोटल वर्क है, यानी जो है, और ये इनकी एक एक दिन की इफिशियंसी है। लेकिन एक बार फिर आपको इन टैगलाइन जो थी याद रखनी है कि इसमें दो लोगों की है, इसमें दो लोगों की, जबकि ये टोटल वर्क केवल सबका एक एक बार का है, टोटल वर्क सबका एक एक बार का है, लेकिन ये कार्य क्षमताएं जो है, जो इफिशियंसी है एक एक दिन की, ये सबकी जो है डबल है। फिर भाई 6 3 9 2 11 हुआ, यहाँ है 60, 11 को हम अगर हाफ करेंगे तो पॉइंट में जाएगा, उसको काटने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम इसको सीधा डबल कर देते हैं। तो 60 को डबल कर दिया तो 120 हो गया, और 120 अपन 11। अब देखो हम अगर जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स वंस मैन परफेक्ट, अगर आपने अभ्यास किया है, अभ्यास करते आदमी, अब देखो यही कुछ डिजिट अभी हमें पहले आई थी तो हमने किया था डिवाइड 120 अपन 11, तो अब आपको जैसे कई बार अगर आपने प्रैक्टिस की है वर्क एंड टाइप को, आपको याद हो जाएगा कि 120 का अगर 11 से अपन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, हमको पता है 11 हम लोग 11 किया था, फिर यहाँ 1 बचा था, फिर वहाँ 11 किया था, यहाँ 1 बचा था, फिर यहाँ 110 11 10 आंसर, ठीक, ये हो गया, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक, यानी 10 सही, यानी 10 10 अपॉन 11, ठीक, हो गया। कोई प्रॉब्लम हुई इसमें, क्या पूछा गया है, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य इतने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ 120 क्यों आया, क्योंकि 60 का हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, और 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि इस वर्क को डबल कर दिया, क्योंकि सबकी इफिशियंसी डबल थी तो हमने टोटल वर्क भी डबल कर दिया। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा टफ लेवल चलेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट करके आए हुए एक बार अपने आप करिएगा, फिर बताइएगा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, अब थोड़ा और टफ लेवल की ओर चलेंगे, जो क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, इनसे थोड़ा टफ लेवल ले चलेंगे, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो हम प्रतियोगी परीक्षा में पूछेंगे। एक क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं,
ये सीजीएल में पूछा गया भैया, सीजीएल वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है कर लेंगे। वैसे आप हमको तो लग रहा है इजी सा क्वेश्चन है, हाँ इजी सा क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग, ये लेते हैं देखते हैं कर पाते नहीं, कर लेंगे, वैसे कर लिया कर ही लेंगे, देख लेते हैं। ए और बी एक कार को 12 दिनों में, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्ट करके लेंगे। ए प्लस बी 12 डेज यानी 12 दिनों में। हमारे कोचिंग का नाम क्या है? रियोस्टी क्लासेस, इसको एड्रेस कर दे, थोड़ा ऊपर से क्वेश्चन लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। रियोस्टी क्लासेस सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कम से कम आप एक एक स्टूडेंट जो हमें देख रहे हैं कम से कम 50-50 लोगों को शेयर करिए। टारगेट बना लीजिए आप कि हमको बहुत ऊपर तक जाना है, और आप जितना हमारे साथ मेहनत करेंगे, अगर आप अच्छा करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, तो हम उससे प्रोत्साहित होंगे और हम और अच्छे अच्छे अब इस पर हम सोच रहे हैं वीडियो, बहुत जल्दी हम साइंस भी लाने वाले हैं, जो आरआरबी ग्रुप में साइंस बहुत पूछी जाती है, साइंस की वीडियो भी हम प्रोवाइड कराने वाले, बस कोशिश चल रही है। ए और बी 12 दिनों में कामा, तथा बी प्लस सी, बी और सी, ए बी 12 दिनों में, ठीक है, और बी प्लस सी, ए बी 12 दिनों में तथा बी प्लस सी 15 दिनों में, बी प्लस सी, क्वेश्चन बहुत लंबा है, निकल डिजिट डिजिट लिखी है दिनों में, दो क्वेश्चन का तीसरा है बस, ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए तो भाई मजा नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपको करना है अपने आप, ठीक। बी और सी 15 दिनों में डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, बी प्लस सी डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुम आप लोग कर लिया जाओ 15 दिनों में, तथा सी और ए 20 दिनों में, सी और ए काम सी प्लस डायरेक्ट लिख रहे हैं ए 20 दिनों में। अब कल ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसको हमने शॉर्ट कर दिया 20 दिनों में, ठीक। सी और ये सी है, सी और ए 20 दिनों में, क्या पूछा गया है? कर सकते हैं तो ए बी सी साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में साथ साथ पूरा करेंगे। अब ये ओरल लगा सकते हैं आप, क्वेश्चन इतना बता दिया गया, साथ साथ पूरा करेंगे हम सिलेबस दो बार खत्म कराएंगे, हमने आपको बता दिया आरआरबी ग्रुप डी और ग्रुप सी के पेपर से पहले पूरा सिलेबस दो बार, ये नहीं होंगे कि हम एक दिन में दो वीडियो दे रहे हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं दमदार क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं, बस आपको इसको कुछ करना नहीं, देखो सॉल्व करना। क्या पूछा है? ए बी ए प्लस बी 12, आप फटाफट बताते रहिए, बी प्लस क्या सी, गुड, बी प्लस सी कितने 15, गुड, और सी प्लस बोलते रहिए भाई वीडियो में, आप लोग भी ना सुन तो नहीं रहे लेकिन हाँ बोलते तो रहिए अपना, जिससे रिविजन होता रहेगा, डिजिटल पेपर में ये बता रहे हैं, पेपर में सेम टू सेम ये डिजिट आएंगे, ये जो क्वेश्चन है ये सीजीएल का है, ये भी हम आपको बता रहे हैं, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का है, एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है किरण की बुक का, ठीक है, ये भी हम आपको बता, देख लीजिए आप बुक उठा के देख लीजिए, ओरल आप इसको सॉल्व करेंगे बस, लेकिन हाँ हमारे वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहे, शेयर कीजिए, ओरल सॉल्व होगा। सी प्लस ए 20 दिनों में, क्या निकालना है? टोटल वर्क 12 है और 15 और 20, अब इसमें देख लिया, अब डिजिट है थोड़ा डिफरेंट है, इसमें टोटल निकालना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 12 के टेबल में 60 आता है, 15 के टेबल में 60 आता है, और 20 के टेबल में 60 है, इसलिए इसका एलसीएम 60 हो। अब ये ना समझिए कि यहाँ डिजिट पेपर में चेंज नहीं होती जाता, ऐसे ही डिजिट आते हैं जिसका एलसीएम निकालना आसान हो, वो एलसीएम में नहीं फंसाएंगे, वो तुमको फंसाएंगे किसी और चीज़ में, क्वेश्चन में एलसीएम का तोड़ना चैप्टर जो एलसीएम में फंसाएंगे आपको। 12 से करेंगे 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60, टोटल 60 है, सब लोग दो दो बार हैं, 60 को डबल कर देंगे यानी हो जाएगा 120, अब आपको रख गया होगा, यह हो गया इसको 437 और 7 ये कर 549 और 9 और 3 9 10 11 12 से डिवाइड कर दिया, बहुत इजी है, 12 × 10 = 120, तो ये हो गया आंसर। बताइए अब आपको इससे इजी तरीका कोई नहीं देगा, आप किरण की बुक उठाइएगा जहां ये क्वेश्चन दिया गया उसका सोल्यूशन देखिए, कम से कम इस सोल्यूशन को पूरे एक पेज में लगाया गया, देख लीजिएगा किरण की बुक में, ये किरण की बुक का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया, ठीक ये भी क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया वर्क एंड टाइम से हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक, अब सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे जिसमें डबल लोग रहते हैं कर ले जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं आपके लिए, हाँ ये देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, अब थोड़ा टाइप चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है,
हाँ भाई देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए जो है वीडियो को रोक दिया गया था। ठीक है अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। ए और बी साठ में लिख रहे हैं, ए प्लस बी किसी कार्य को, वो नहीं जो अभी करा चुके हैं, वो टाइप चेंज हो गया, ए और बी किसी कार्य को। कल थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर को थोड़ा सा खत्म करेंगे। ठीक है आज इसलिए ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को साठ कट लिख रहे हैं, बुरी बात है उसमें लिखी हुई ए और बी लिखा हुआ बहुत ज्यादा। ए प्लस बी किसी कार्य को बारह दिनों में ए और बी बारह दिनों में, ए और बी बारह दिनों में कर सकते तथा बी और सी बारह दिनों में बी प्लस सी। अब सो क्वेश्चन को साठ देखने का तुमको जो इंपॉर्टेंट डिजिट है हमको पूरी स्टोरी से थोड़ी मतलब नहीं, पेपर में होता बच्चे बड़ा क्वेश्चन देख के घबरा जाते, बाकी उसमें कुछ होता थोड़ी ना है। ठीक है बी और सी आठ दिनों में, बी प्लस सी एट डेज आठ दिनों में, कामा सी प्लस ए को बता भी गया है, सी प्लस ए सिक्स डेज छः दिनों में, सिक्स डेज छः दिनों में। और देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या चीज़ चेंज किया गया, छः दिनों में कर सकते हैं तो छः दिनों में कर सकते हैं तो बी अकेले कितने दिनों में करेगा, ये भी देख लेते हैं क्वेश्चन है, ये भी आने वाले हो सकते हैं। अकेले कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में करेगा, क्वेश्चन बहुत लंबा था, क्वेश्चन इतना बड़ा आता कम से कम बोर्ड में, लेकिन क्या फायदा, हमने जो मेन थर्टीज उठा लिया बस आप भी समझ जाएंगे, क्वेश्चन बड़ा देखकर घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन वो बड़ा है तो आप घबरा जाएंगे। ठीक है पूछा गया ए और बी, बस क्वेश्चन में कुछ और थोड़ी ना, और क्या पूछे बी ए गैलिस काम कितना, हाँ बस हो गया बस सॉल्व। ठीक ए प्लस बी लिखा है, ए प्लस बी कितने दिनों में करता है 12, फटाफट लिखते रहो। बी प्लस सी कितने डेज में करता है 8, और इसमें अगला है C प्लस ए कितने डेज में करता है 6, तो आपको पता क्या निकालेंगे टोटल वगैरह सब आप कर ही चुके हैं पहले, 12 है 8 है और 6 है, इसका टोटल निकालेंगे तो कितना होगा 48 होगा, निकाल लीजिए हमने एलसीएम निकाल लिया ओरल 48 होगा। अब इससे करते हैं 12 4 जा 48, 8 6 जा 48 और 6 8 जा 48 हो गया ना 48। अब टोटल वर्क 48 में सबकी इफिशियंसी दो दो बार दी गई, लेकिन हमको अब यहाँ फंसना ये नहीं है क्योंकि पूछा बी अकेले कितने दिनों में करते हैं, क्योंकि बी की केवल क्षमता अलग करनी। अब देखो क्या करते हैं, ए और बी की चार है, समझना है बहुत अच्छे समझना है, ये फंसने वाला ए और बी की चार है, बी और सी की छः है और सी और ए की आठ है, निकालनी किसकी है बी अकेले, बी लेकिन दो जगह है, बी ए के साथ भी है और बी ए और बी भी है और बी और सी भी है। हम अगर ए और बी और सी की पहले ट्विन ऑफ निकाल ले तो आसान है, इसको ऐड कर देते हैं 6 4 10 और 8 18 यानी ए प्लस बी प्लस सी ए बी और सी इज इक्वल टू 18। लेकिन एक चीज समझिए क्या है, ये सब लोग टू टाइम्स हैं, सब ए भी टू टाइम्स बी भी टू टाइम्स और सी भी टू टाइम्स इज इक्वल टू 18। तो हम क्या करते हैं ए बी प्लस सी साठ है, समझाने के लिए आपको इतना लिखना है, तो हम ओरल से ड्राफ्ट उड़ा दें कोई दिक्कत नहीं, ए बी और सी वन टाइम करना, इसको टू को ले जाते हैं डिवाइड कर दिया तो यहाँ चाहे 9, यानी ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी है, तीनों की इफिशियंसी है एक दिन की वो है 9 कार्य क्षमता, एक दिन की है 9। अब हमको किसकी चाहिए, बी की चाहिए और है ए बी सी की, तो हम ए और सी की हटा दें, वेरी सिंपल ए और सी की हटा दें, बी की निकल आएगी। अब हमको ढूंढते कहीं ए और सी की दी है, हाँ दी है ए और सी की, यहाँ पर दी है ए और सी की एफिशिएंसी एक दिन की 8 है, 9 में से 8 अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास केवल बी की एफिशिएंसी निकल आई और बी की एफिशिएंसी निकल के आई 1, बी की एफिशिएंसी है 1 और बी को वर्क कितना करना टोटल वर्क 48 है, बहुत मजा आ गया भाई यार, टोटल वर्क 48 है और बी की एफिशिएंसी हमने निकाल ली 1 है। अब भैया जो इसकी इफिशियंसी एक दिन में एक ही कार करेगा और 48 कार करने हैं, वन डेज में वन ही करता है 48 करने, तो कॉस्ट 48 डेज लगेंगे, क्या लगेगा 48 डेज, क्या हो गया आंसर, वाह भाई वेरी गुड, छा गया भाई छा गया, इसे कहते हैं रियोस्टी क्लासेस, ये हमने सॉल्व करा दी। अब इस क्वेश्चन को भी आप देखिएगा, किसी और टीचर से पढ़िएगा, अगर इतनी ईजिली बता दे तो फिर कहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर।
आ गया ना समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर इसको अपने समझ में आया ना तो रोक के आप एक बार समझ सकते हैं, ठीक है? समझ में आ गया, बहुत अच्छा सका है दोनों सबकी। बस यहाँ टोटल इफिशियंसी देखो, यहाँ 89 थी सबकी, लेकिन सब लोग टू टू टाइम्स थे, तो हमको ने वन टाइम्स करने के लिए सबको हाफ कर दिया, और हाफ कर से इससे डिवाइड कर दिया, 48 आंसर आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर से एक नोट्स बना लीजिए, हम तो कह रहे हैं हमारा अगर मानिए आप तो एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि भाई अगर रेलवे की नौकरी पाना तो इतना आसान तो है नहीं ना, तो एक नोट्स बना लीजिए मैथ की, और इसमें इंपॉर्टेंट ना सही सब नहीं लिखे तो आप जिन क्वेश्चन को हम कहते हैं पेपर में आएंगे, जो लगे कि आपको हाँ ये है समझने वाला है ना, जिन क्वेश्चन में लगेगा कि 90 का एंगल बनेगा दिमाग से बाहर जाने वाले हैं, उन क्वेश्चन को तो आप लिख ही लीजिएगा ना। गुड, अब हम लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन जैसे अच्छे, अब सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ना। अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं ना, एक और टाइप के कर लेते हैं, बस एक टाइप के क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है? हाँ, अब देखो, हाँ ये कंफर्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, हम नया टाइप के चलेंगे। हाँ ये देखो, अब न्यू टाइप चलेंगे, टाइप चेंज, ठीक। क्वेश्चन ये लेंगे ए, टाइप चेंज हो गया भाई, और बी। अब ऐसा अभी एक इसमें वर्किंग टाइम में और बचा, जब मिसलिनियस कराएंगे तो उसमें करा देंगे, वो जो पुरुष और स्त्री वाला ना, चार पुरुष बराबर इतनी स्त्रियां वाले करेंगे, वो भी इजी क्वेश्चन, वो ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये देखते हैं, ये भी दिमाग फंसाएंगे। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः, कार्य को क्रमशः, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। इजी टेस्ट इजिली लेते हैं ना हम लोग, क्योंकि ये इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन में भी ज्यादा वो ना, क्वेश्चन को आपको समझाना, यानी डिजिट में नहीं फंसाना है, डिजिट में तो सब लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन को हमको तरीका क्या होना चाहिए डिजिट से कोई मतलब नहीं, इसलिए इजिली डिजिट दे देते हैं, दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं, दिनों में कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए भाई, बहुत मेहनत आई, मजा आ रहा है हमको, भी मजा आ गया। 90th का एंगल किसी क्वेश्चन नहीं बनने पाएगा जो दिमाग से बाहर चले जाए, ठीक, कर सकते हैं। दोनों ने साथ साथ कार्य करना प्रारंभ किया, कर सकते हैं दोनों, ए और बी दोनों ने साथ साथ कार्य करना प्रारंभ किया, साथ साथ कार्य करना प्रारंभ किया, कार्य करना प्रारंभ किया, किया। अब यहां टैगलाइन आ गई, टैगलाइन यहां पर जो बात दिखनी वही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, फोकस बोर्ड, ठीक, प्रारंभ किया, लेकिन ये समझिए, लेकिन जो लिख रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु सारे खतरनाक होते हैं, कहीं भी आ जाए तो संभलो फिर वहां, लेकिन कार्य समाप्त होने की, एक होगा ना, लेकिन लेकिन काम समाप्त होने के, यानी कार्य, लेकिन कार्य समाप्त होने के, समाप्त होने के, होने के, लेकिन कार्य समाप्त होने के, कार्य चल रहा था, कार्य समाप्त तो होने के 2 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया, 2 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया, काम छोड़कर छोड़कर चला गया, गया तो पूरा काम, तो पूरा काम क्या पूछा गया, तो पहले एक काम छोड़कर चला गया, तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन का समय, तो पूरा काम समाप्त होने में, होने में, होने में कितने कितने दिन दिन लगे, तथा दो क्वेश्चन दो बातें पूछ लेंगे, कितने दिन लगे तथा दोनों ने, दोनों ने साथ साथ, साथ साथ कितने दिन कार्य किया, कितने दिन कार्य किया, कार्य किया। बहुत मस्त क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, झक्कास, सुपर से भी ऊपर है ना, सुपर से भी ऊपर वाला क्वेश्चन है। ए और बी किसी कार्य को, ए और बी उन्हें अलग अलग है कि साथ नहीं, ए और मतलब होता है ना अथवा, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 20 दिनों में, यानी ए 10 दिनों में, ए 10 दिनों में और बी 20 दिनों में, ठीक, कर सकते हैं। दोनों ने साथ साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, ये टैगलाइन, कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले। अभी हमने हमारे जो सेकंड वीडियो थी शायद उसमें हमने पढ़ाया था कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद तो चला जाता था, अब की लेकिन कार्य समाप्त होने, कार्य खत्म होने वाला था उसके 2 दिन पहले। देखो क्या करते, पहले हमको सबसे पहले जो करना होगा स्टेप बाय स्टेप, टोटल होगा 10 और 20, 20 LCM 20 होगा,
10 2 20 और 20 बन जाए 20। एक चीज अब यहाँ और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देते हैं, जब कभी ऐसा क्वेश्चन है जब दो चीजें हो तो इनको हम क्या करते हैं, इनको रेशियो बना लेते हैं और एक दूसरे का रेशियो चेंज कर देंगे तो इफिशियंसी निकाल आएगी। जैसे यहाँ 10 है यहाँ 20, इनको रेशियो बनाएंगे तो जैसे 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20, तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा डायरेक्ट। ये भी कर सकते हैं ठीक है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे कर रहे हैं ठीक। आगे कहा गया तो कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले, यानी काम होना शुरू हुआ, दोनों ने साथ साथ करना किया, एक दिन में भाई 3 कर रहे हैं दोनों ने साथ साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कार्य खत्म होने वाला था कि 2 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया, कौन एक काम छोड़कर चला गया, यानी कितने दिन पहले 2 दिन तक, ये जो लास्ट के 2 दिन ए चला गया होगा, जब लास्ट के ये 2 दिन ए चला गया होगा तो लास्ट के 2 दिन काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा, और किसके साथ, अकेले। क्यों, क्योंकि अब पहले हम लास्ट वाले, अब शुरू से नहीं निकल, पहले लास्ट में क्या हुआ वो बात हम समझेंगे। लास्ट के दो दिन पहले काम छोड़कर चला, काम खत्म होने वाला था और जो है काम छोड़कर चला गया, तो अब इस काम को करेगा बी करेगा, क्योंकि ये तो छोड़कर जा चुका है लास्ट में, बी इसकी एफिशिएंसी है 1, इसकी एफिशिएंसी है 1, और कितने दिन तक करेगा 2 दिन तक, क्यों अकेले इसने 2 दिन किया होगा, लास्ट के 2 दिन इसने अकेले किया होगा, क्योंकि लास्ट के 2 दिन पहले वो चला गया, तो यानी हमारा 2 वर्क हो गया। अब बचा कितना हमारा रिमाइंडर वर्क, टोटल 20 करना था, हमने लास्ट में 2 दिन किया, इसमें मतलब शुरू में हमने 3 डेज किया हुआ, स्टार्टिंग में हमने कितने डेज किया था, स्टार्टिंग में हमने कितने डेज किया होगा 18 डेज किया होगा। अब स्टार्टिंग वाले 18 डेज तो हम दोनों ने साथ किया है ना, क्योंकि लास्ट वाले छोड़ के गए वो लेकर थे, अब तो 3 2 इसकी एफिशिएंसी 1 है, स्टार्टिंग में हमने दोनों ने साथ किया, 3 की स्पीड से किया होगा, और 3 के स्पीड से क्या होगा 6 डेज में खत्म हो गया, स्टार्टिंग में हमने 6 दिन कार्य किया, ये भी हमारा आंसर हो गया। अब बस दोनों आंसर आ गए, देखते हैं क्या क्या पूछना है, बस वही खड़ा कर जले आ रहा है। पहले क्या पूछा गया, तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगे, पूरा काम 6 दिन यहाँ किया, 2 दिन यहाँ किया, पूरा काम यानी टोटल वर्क एंड होने में कितने 6 वो 2 8 आंसर, 8 आंसर टोटल वर्क एंड होने में 8 आंसर। अगला चीज फिर क्या पूछा, दोनों ने साथ साथ कितने दिन काम किया, भैया 2 डेज इसके साथ 7 दिन कितने दिन काम किया, तो देखो यहाँ इन्होंने ये 6 दिन लास्ट में पहले वाले दिन में 6 काम किया था, इन्होंने साथ साथ 6 ही दिन तो किया, क्यों, क्योंकि 2 के स्पीड से 1 के स्पीड से 3 के स्पीड से 18 को खत्म किया, यानी 3 के स्पीड से अगर 18, यानी 1 दिन में 3 काम 6 दिन में काम, यानी कि साथ साथ बोथ इन्होंने दोनों ने साथ साथ किया, 6 आंसर बोथ इन्होंने साथ साथ कितने हो गया 6 आंसर हो गया, सॉल्व देखते सॉल्व हो गया। बस अब एक काम आपको करना है, अब इसको अगर नहीं समझ में आया है, समझ में हमको तो लगता है 100% आया, अगर नहीं आया तो आप वीडियो पर रोकिए और फिर से देखिए, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन फंसाने वाला है, और आप भी इसमें अगर सही से नहीं समझोगे तो कंफ्यूज हुए होंगे। इस क्वेश्चन को आप फिर से कर सकते करिएगा, देखिएगा वीडियो और फिर से कीजिए, हमारे यूट्यूब वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, राधे राधे, बाय।